नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजेंडल हॉस्पिटल एंड प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट फॉर किडनी पेशेंट्स ड्यूरिंग नवरात्रि। तो नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और इस त्यौहार के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो नवरात्रि के त्यौहार के दौरान स्वस्थ रहें, अस्पताल से दूर रहें। नवरात्रि में जो हमारा एक्सपीरियंस है, डाइट में कुछ ऑल्ट्रेशंस होती हैं ट्रेडिशनली। जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर डाइट ली जाती है जिसमें फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं, दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें भी ज़्यादा लिए जाती हैं, साथ ही साथ नट्स लिए जाते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें पोटेशियम और फॉस्फोरस दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो जिनको स्टेज वन स्टेज टू किडनी डिजीज़ है उनके लिए कोई विशेष ऑल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन जिनको स्टेज थ्री स्टेज फोर या स्टेज फाइव किडनी डिजीज़ है उनको थोड़ा डाइट में प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। एक तो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल ना करें, साधारण नमक लें या नमक के बिना खाना खा लें, क्योंकि जो रॉक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक होता है, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सेकंड, अगर आपने फ्रूट्स लेने हैं तो सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फल हैं उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, उसको कभी एक बार ले लें सप्ताह में, लेकिन रोज़ इस्तेमाल ना करें। दूध और दही मिला के 300 ml से ज़्यादा मत लें। पानी का आहार एडिक्वेट रखें और अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करें। अगर आप ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके लिए नवरात्रि का त्यौहार हेल्दी रहेगा। थैंक यू।